नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले बात हम करेंगे दुनिया की खबरों की। मंकी पॉक्स के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर WHO ने चिंता जताई है। 11 देशों में मंकी पॉक्स के 80 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। मंकी पॉक्स वायरस विभिन्न देशों में बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 देशों में मंकी पॉक्स वायरस के 80 मामलों की पुष्टि की। साथ ही ये भी कहा कि ये वायरस आउटब्रेक के कारण है और इसे प्रकोप की सीमा को समझने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इससे पहले इसी सप्ताह की शुरुआत में संगठन की ओर से कहा गया था कि ये वायरस कई देशों में कुछ जानवरों की आबादी में स्थानीय है, जबकि स्थानीय लोगों ने यात्रियों ने कभी कभार इसका प्रसार होता है। एक बयान में WHO ने कहा कि संगठन और उसके अन्य साथी साथ मिलकर काम करें ताकि समझा जा सके कि वायरस के आउटब्रेक का कारण और इसके प्रकोप की सीमा क्या है। हालांकि हाल ही में 11 देशों में रिपोर्ट किए गए प्रकोप असामान्य हैं क्योंकि वो गैर स्थानीय देशों में हो रहे हैं। बता दें मंकी पॉक्स वायरस एक वायरल जूनोसिस है, एक ऐसा वायरस जो मनुष्यों में जानवरों से आता है। वहीं इसके लक्षण में स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षणों के समान है, हालांकि ये स्मॉल पॉक्स से कम सीवियर है। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स से पीड़ित इंसान बुखार, दाने और सूजी हुई लिम्फ नोड से पीड़ित हो सकता है। मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर भारत ही नहीं बल्कि कई देश अब सख्ती बरतते नजर आ रहे हैं। चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। देश में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 14,832 पहुंच चुकी है, यानी इतने लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है जिनका इलाज जारी है। देखिए एक मिनट में ये पूरी खबर। देश में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 14,832 यानी कितने लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2022 नए मामले सामने आए और 40 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। इस दौरान 2,099 लोग डिस्चार्ज हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह ताजा आंकड़े जारी किए गए। देश में अब तक कुल 5,24,459 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या दर घटकर 14,832 पर पहुंच गई है। एक्टिव मामले में कुल संक्रमण का 0.03% है, कुल पॉजिटिविटी रेट 0.69% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 4,25,99,102 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 192,38,45,615 तक पहुंच गया। बीते 24 घंटे में देश में वैक्सीन की कुल 8,81,668 डोज लगाई गई। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। अब ऐसे में कोशिश ये की जानी चाहिए कि हम कोरोना को लेकर एहतियात जरूर बरतें। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री अपने 2 दिन की जापान दौरे के तहत टोक्यो पहुंचे और यहां पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत जोरदार तरीके से हुआ। पीएम क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान गए हैं। देखिए एक मिनट में ये पूरी खबर। पीएम मोदी जापान के 2 दिन के दौरे पर हैं। पीएम यहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय मूल के लोगों ने पीएम का स्वागत किया। यहां जापान के बच्चों ने पीएम से हिंदी में बात की। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान करीब 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही साथ कई बड़ी मुलाकातें भी करने वाले। पीएम मोदी जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने वाले। पीएम का ये दौरा राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। पीएम का ये दौरा दूसरे देशों से रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ इस समिट में द्विपक्षीय मुलाकातों में बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इस समिट में टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, विकास और वैक्सीन जैसे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। इस पूरी चर्चा में सबसे पहले पुराने क्वाड समिट पर कितनी प्रगति हुई, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम रहने वाला है और कई देशों के नेताओं से यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी रहेगी। रुक करेंगे हम अगली खबर का। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान एक बार फिर से भारत की विदेश नीति के कायल होते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की है। देखिए एक मिनट में ये पूरी खबर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इन दिनों भारत की तारीफ की कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बार इमरान खान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की प्रशंसा करते नजर आए। कहा कि उनकी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से इसे हासिल करने के काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार बिना सिर वाले मुर्गी की तरह इधर उधर भाग रही है।
इमरान खान की प्रतिक्रिया, भारत सरकार की ओर से पेट्रोल की कीमतों में 9.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती किए जाने के बाद सामने आई। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद जनता को राहत देने के लिए रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदा। हमारी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से यही हासिल करने के लिए काम कर रही थी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि पूर्व पाक पीएम इमरान खान भारत की तारीफ करते नजर आए हों। इससे पहले जब वो पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते तब भी उन्होंने अपने भाषण में भारत की विदेश नीति की खूब प्रशंसा की। उनके इस बयान में दुनिया भर में जमकर सुर्खियां बटोरी थी। वैसे तो ऐसे मौके कम होते हैं जब पाकिस्तान भारत की तारीफ करता है, लेकिन पाकिस्तान के नेता अभी भी भारत और भारत की नीतियों के कायल हैं, ये समय समय पर सामने आ ही जाता है। रुक करेंगे हम अगली खबर का। भारत में ईंधन के दामों में भारी कटौती की तारीफ अब पाकिस्तान भी करने लग गया। इमरान खान ने मोदी सरकार की तारीफ करते कहा कि पाकिस्तान की सरकार को भारत से कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 25 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया है, साथ ही उन्हें पद से हटा दिया गया। आयोग ने सदस्यों को पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव में पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करने पर पद से हटा दिया है। आयोग ने पिछले महीने पीएमएलएन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हमजा शहबाज के पक्ष में मतदान करने पर 25 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी मामले में अपना फैसला सुनाया है। निर्वाचन आयोग ने अपने सर्वसम्मत फैसले में ये भी कहा कि पीटीआई के विधायकों ने संविधान के अनुच्छेद 63A के तहत दोषपूर्ण कार्य किया है, इसलिए उन्हें पद से हटाया गया है। पद से हटने का मतलब है कि विधायक अपनी सीट को खो चुके हैं, लेकिन वे अयोग्य नहीं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 17 मई को इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 25 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की गई थी। तो पाकिस्तान की ओर से भारत के इस कदम की तारीफ की जा रही है क्योंकि हाल ही में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी कटौती हुई है। रुक करेंगे हम अगली खबर का। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने चीन और पाकिस्तान को दो भाई बताया है और कहा कि वैश्विक राजनीति में कोई तूफान इस दोस्ती को नहीं तोड़ सकता। देखिए एक मिनट में ये पूरी खबर। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान और चीन दो भाई हैं जिन्होंने पिछले वर्षों के दौरान परस्पर मित्रता के सदाबहार वृक्ष का पोषण किया है। शहबाज शरीफ ने ये बात दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 71वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बधाई देते हुए कही। शरीफ ने इस अवसर पर कहा कि दोनों देशों के उन नेताओं और लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने इस बेजोड़ मित्रता को एक सहकारी रणनीतिक साझेदारी और एक मजबूत बंधन में बदलने का प्रयास किया। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि चीन और पाकिस्तान लगातार अपने संबंधों को और ज्यादा मधुर बना रहे हैं। शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी आर्थिक सहयोग, गरीबी उन्मूलन और संपर्क के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि परियोजना एक प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक गारंटी है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। हालांकि चीन अक्सर ये कहता रहता है पाकिस्तान उसका दोस्त है, पाकिस्तान ये कहता है कि चीन उसका दोस्त है, लेकिन वैश्विक टेबल की अगर बात करें तो कई जगह ऐसे मुद्दे भी सामने आए हैं जहां पर दोनों ही देशों ने दोनों का ही साथ नहीं दिया है और कितनी गहरी इनकी दोस्ती है ये इसी बात से साफ हो जाता है। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। जंग भले ही दो देशों के बीच हो लेकिन कई देश ऐसे हैं जो इस जंग का हिस्सा बन गए जिसमें सबसे आगे है अमेरिका। अब रूस ने अमेरिका को रूस से शत्रुता का बदला रूस में बैन अमेरिकी दिग्गजों की एक सूची से दिया। जंग के हालात भले ही रूस और यूक्रेन के बीच हों लेकिन जंग की तपिश दुनिया भर में महसूस हो रही है। एक तो दुनिया भर के कारोबार पर असर और दूसरा दुनिया भर के राष्ट्रों की विदेश नीति प्रभावित हो रही है, तो वहीं अमेरिका को दोहरी चुनौती पेश आ रही है। एक तो यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद से देश की आर्थिकी पर दबाव है, तो दूसरा रूस अपने शत्रुओं पर तीखी निगाहें रखता है। अब अमेरिका को रूस ने अपने शत्रु के तौर पर पेश भी कर दिया है। दरअसल रूस ने एक सूची जारी की है जिसमें उन राष्ट्रों के दिग्गजों के नाम शामिल हैं जिन्होंने रूस के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है और इसमें सबसे ऊपर नाम है अमेरिका का।
इस सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिनका रूस में आना मना है, यानी कि रूस की यात्रा ये लोग नहीं कर सकते। इससे साफ है कि अमेरिका का यूक्रेन के समर्थन पर रूस शुरू से जो ऐतराज करता रहा है, अब उसे रूस ने जताना भी शुरू कर दिया। रूस ने अमेरिका के 963 लोगों की यात्रा पर बैन लगा दिया। रूस और यूक्रेन का युद्ध जब से हुआ है, इस समय पूरी दुनिया तीन धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। कुछ वो देश जो कि अमेरिका के साथ हैं, तो कुछ वो देश जो कि रूस के साथ हैं। लेकिन इसी बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जो दोनों के ही साथ नहीं हैं, जिनका एक अपना अलग मत है। अब ऐसे में अमेरिका की ओर से रूस पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए। अब रूस उन प्रतिबंधों का जवाब और लगाए गए प्रतिबंधों से दे रहा है। रुक करेंगे हम अगली खबर का। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच रूस को झुकाने के लिए अमेरिका लगातार तिगड़म लगा रहा है, और इसे तिगड़म का हिस्सा माना जा रहा है फिनलैंड का वो ऐलान जिसमें इच्छा जाहिर की गई कि नाटो में शामिल होने की, लेकिन रूस ने फिनलैंड को एक बड़ा झटका देकर चेतावनी दे डाली है। जंग दो देशों में जारी है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के आमने सामने तबाही मचा रखे है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब यूक्रेन नाटो में जाने की तैयारी में था, तभी रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेना तैनात कर दी थी। लेकिन यूक्रेन से इस जंग में रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच रूस के पड़ोसी राष्ट्र फिनलैंड ने भी नाटो में जाने की इच्छा जताई है। लेकिन रूस ने फिनलैंड को न केवल सचेत किया बल्कि एक कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है, और ये प्रतिक्रिया है फिनलैंड को सप्लाई होने वाली गैस पर रोक लगाना। दरअसल रूस ने हाल ही में साफ किया था कि रूस से खरीदारी करने वाले देशों को जो भी भुगतान करना होगा वो रूस की करेंसी रूबल में करना होगा, लेकिन फिनलैंड ने रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये रहा कि भले ही रूस संकट काल से घिरा हो, लेकिन रूस कारोबारी रिश्तों के लिए झुकने को तैयार नहीं हुआ। रूस ने फिनलैंड की गैस की सप्लाई को पूरी तरह से काट दिया। रूस ने एक बार फिर साफ किया कि निर्यात के बदले केवल और केवल रूसी करेंसी रूबल ही ली जाएगी। फिनलैंड और स्वीडन छोटे से देश हैं, लेकिन उनके फैसले बड़े हैं। नाटो में जाने का ऐलान दोनों ही देश कर चुके हैं, और इसीलिए उनकी ओर से कोशिशें जारी हैं। लेकिन इसी बीच रूस की ओर से जो संकेत दिए गए हैं, जो चेतावनी दी गई है, उसमें बताया गया है कि ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड दोनों के ही खिलाफ रूस कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये कार्रवाई किस रूप में की जाएगी, यह अभी सामने नहीं आया है। रुक करेंगे अगली खबर का। बात हम करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की महिला प्रेजेंटर्स यानी कि महिला एंकर्स जिन्हें कहा जाता है, बिना चेहरा ढके टीवी पर नजर आई और कहा कि तालिबान का फरमान नहीं मानेंगे। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान के प्रमुख टीवी चैनलों पर महिला प्रेजेंटर्स को चेहरे को बिना ढके टीवी पर ऑन एयर दिखाया गया। आपको बता दें कि तालिबान ने गुरुवार को निर्देश दिए थे कि सभी टीवी चैनलों पर काम करने वाली सभी महिला प्रेजेंटर्स को प्रोग्राम प्रस्तुत करते समय अपने चेहरे को ढकना होगा। तालिबान प्रशासन की तरफ से महिला टीवी प्रेजेंटर्स को इसका पालन करने का आदेश दिया गया था। इससे पहले उनके लिए केवल हेड स्कार्फ पहनना जरूरी था। वहीं जिन टीवी चैनल्स पर महिला प्रेजेंटर्स को बिना चेहरे ढके दिखाया गया था, उनमें से एक के न्यूज हेड का कहना है कि हमारी महिला सहकर्मी इस बात से चिंतित थी कि अगर वो अपना चेहरा ढक लेती है तो उन्हें अगली बात बताई जाएगी कि काम करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि यही कारण है उन्होंने अब तक आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि चैनल ने इस मुद्दे पर तालिबान के साथ आगे चर्चा करने का अनुरोध किया है। एक महिला प्रेजेंटर ने कहा कि तालिबान की फिर से सत्ता में वापसी के बाद कई महिला पत्रकारों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। उनके नवीनतम आदेश ने महिला प्रेजेंटर्स का भी दिल तोड़ दिया है, और कई बार अब वो सोचते हैं कि इस देश में उनका भविष्य नहीं है। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, तब से एक के बाद एक महिला अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कभी स्कूल जाने को लेकर तालिबान का तालिबानी फैसला, तो कभी ड्राइविंग को लेकर, और अब महिला प्रेजेंटर्स को ये कहा गया है कि वो मुंह ढक कर ही रिपोर्टिंग या फिर एंकरिंग कर सकती हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। तालिबान ने पिछले साल अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया, और उस समय तालिबान के सामने चुनौती बना था पंजशीर इलाका, और अब एक बार फिर से नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट उसी इलाके से तालिबान को चुनौती दे रहा है। देखिए, तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो लगा कि अब शायद अफगानिस्तान में शांति होगी, लेकिन गाहे बगाहे अब भी अफगानिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं। तो वही अब तालिबान के सामने एक और चुनौती भी खड़ी हो गई है, क्योंकि तालिबान के तालिबानी नियमों का भी विरोध हो रहा है, और ये विरोध महिलाएं कर रही हैं। और इसी बीच कुछ हफ्तों से पंजीर में तालिबान बनाम
नेशनल रेजिडेंस फ्रंट की तरफ से लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। गौरतलब है कि पिछले साल अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान भी तालिबान को इसी इलाके से चुनौती मिली थी। हालांकि तालिबान ने ऐसे किसी भी विद्रोह से इनकार किया और अपने इलाके पर पूरी तरह से कब्जे का दावा किया, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल रेजिडेंस फ्रंट ने दावा किया कि वो पंजशीर पर एक बार फिर से काबिज हो रहा है। तो वहीं कुछ हफ्ते पहले ही कहा गया था कि पंजशीर के कई इलाकों पर NRF ने एक बार फिर से कब्जा जमा लिया है। अब देखना होगा NRF को स्थानीय इलाके की आम जनता का साथ मिलता है या नहीं। एक तरफ तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा, जब पूरी दुनिया में दहशत मचा रहा था, जहां बड़ी बड़ी महाशक्तियां तालिबान के इस फैसले के खिलाफ फत करने की कहीं ना कहीं विपक्ष में नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें डर था तालिबान के कड़े फैसलों का और तालिबान के रुख का। उसी समय उन्हीं के देश यानी कि अफगानिस्तान में एक इलाका ऐसा भी था पंजशीर, जिन्होंने तालिबान को मानने से साफ इनकार कर दिया था, और अभी भी वही इलाका है जहां से अभी भी तालिबान का विरोध लगातार जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का, बात करेंगे भारत की अमरनाथ यात्रा को लेकर। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने धमकी दी है, कहा वे यात्रा के खिलाफ नहीं है, लेकिन तीर्थयात्री तब तक सुरक्षित हैं जब तक वे कश्मीर मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकी संगठन की तरफ से धमकी दी गई। आतंकी संगठन TRF का धमकी भरा पत्र ऐसे वक्त में सामने आया जब 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। TRPF की ओर से धमकी भरा पत्र जारी करते हुए इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने धमकी भरा पत्र जारी किया। पत्र में आतंकी संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। संगठन का कहना है कि वे यात्रा के खिलाफ नहीं है, लेकिन तीर्थयात्री तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो कश्मीर मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को इस साल वार्षिक अमरनाथ यात्रा से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 15 जून की समय सीमा तय की और कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता तीर्थयात्रियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करना है। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर के 2 स्थानीय हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। कश्मीर के IG का कहना है कि 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 राउंड और एक साइलेंसर सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। तो अगर आतंकवादियों को ये लगता है कि अपनी बातें बनवाने के लिए वो इस तरह की धमकियां देंगे तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमेशा से भारत ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जबकि विदेशों में भी भारत की काफी सराहना की जा चुकी है और आगे भी ऐसी ही तारीफें भारत बटोरता रहेगा और आतंकवादियों के हौसले को पस्त करता रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ, लेकिन विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। दिखाते हैं आपको एक मिनट में ये पूरी रिपोर्ट। यूपी के 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। यूपी में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला विधानसभा सत्र है। इस सत्र के दौरान 26 मई को बजट पेश किया जाएगा। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। समाजवादी पार्टी की अगुवाई में विपक्ष पहले से अधिक मजबूत हुआ है। विपक्ष इस दौरान कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने के प्रयास में है। वहीं विधानसभा के विशेष सचिव ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि सोमवार को विधानसभा और विधान परिषद में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ राज्य विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। उन्होंने सत्र की शुरुआत से पहले बताया कि राज्य की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र है। इस दौरान वार्षिक बजट 2022-23 आगामी 26 मई को सदन में पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान बीजेपी सरकार को पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक महंगाई को लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी में है। साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सत्र के दौरान गूंज सकता है। यूपी विधानसभा का नजारा कुछ ऐसा था, एक तरफ राज्यपाल अभिभाषण कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ सपा के विधायक जोरदार हंगामा। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने 29 मई को होने वाली CM की रैली के ऐतिहासिक होने का दावा किया, तो वहीं विपक्षी दलों पर भी उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, सिरसा की बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्ष पर वार किया। दुग्गल ने आपके राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता पर तंज कसा और कहा कि सुशील गुप्ता के पास हरियाणा में करप्शन का अगर कोई सबूत है तो CM मनोहर लाल को सौंपे, CM करप्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी सबूत मिलने के बाद CM मनोहर लाल ने हरियाणा में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही कहा कि CM मनोहर लाल बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा का विकास करवाने में जुटे हैं। सिरसा में बीजेपी का कोई विधायक नहीं होने के बावजूद भी सिरसा जिले में CM मनोहर लाल
भोपाल में विकास कार्यों की झड़ी लगाई है। उन्होंने कहा कि 29 मई को सिरसा में होने वाली प्रगति रैली ऐतिहासिक होगी। सीएम मनोहर लाल सिरसा जिले को बड़ी सौगात देंगे। सुनीता दुग्गल ने 29 मई की प्रगति रैली के लिए लोगों को निमंत्रण भी दिया है। साथ ही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, रोजाना कांग्रेस के नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस छोड़ दी है, क्योंकि कांग्रेस की नीति भ्रष्टाचार युक्त नीति है। लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है।